इसमें भी जो आपके एड्रेस प्लेस हैं, इसमें जो है LY जो है यूज़ नहीं हो रहा। सिंपली वर्ड्स हैं साउथ ईस्ट, एवरीवेयर, अप, लेफ्ट, क्लोज, बाय, बैक, इनसाइड, जो कि आपके किसी भी एक्शन के होने की जो है उसकी लोकेशन को जो इंडिकेट कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। दे ट्रेवल डाउन द माउंटेन साइड, ठीक है। अब ये आपका सेंटेंस, आपकी एग्जाम्पल है कि दे ट्रेवल डाउन द माउंटेन साइड। देन वी हैव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दे आर यूज टू एक्सप्रेस टाइम और हाउ ऑफन समथिंग अकर्स। अब इसमें क्या है कि ये आपकी किसी भी काम के उसकी फ्रीक्वेंसी को बताता है कि वो कितनी बार या किस तरह से वो हो रहा है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी स्प्लिट टू मेन ग्रुप्स। द फर्स्ट एडवर्ब्स ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एंड द अदर वन इज डेफिनेट इन फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या है कि उसको वो जाहिर कर रहा है कि वो कोई भी एक्शन जो है उसको कितनी बार हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। सो द फर्स्ट एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी आर टर्म्स दैट हैव एन अनक्लियर मीनिंग एज टू हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन समथिंग अकर्स। कि इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया, क्लियर है, कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा कि कितनी बार वो काम किया गया था। लाइक यूजली, ऑलवेज, नॉर्मली, इस तरह से जो है वर्ड्स एडवर्ब आपके ये यूज़ होंगे इसके लिए। दीज एडवर्ब्स विल यूजली बी प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड इन्फिनिटिव। अब ये कहाँ पर आएंगे, आपने इसकी पोजीशन भी देखनी है, इसको फर्दर भी मैंने इसको एलेबोरेट किया हुआ है। ये यहाँ पर एडवर्ब आ रहा है मेन वर्ब और इसकी ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में। सो आई कैन नॉर्मली मेक द शॉट। अब कैन क्या है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और जो मेन वर्ब है आपका मेक है। अब ये इसके बीच में आ रहा है नॉर्मली, इसमें यहाँ पर उसका जो एडवर्ब है वो यूज़ हो रहा है। सो दिस वन इज इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। देन एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी विल यूजली बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब आपने ये भी याद रखना है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है जिसमें कि उसको क्लियर है कि वो कितनी बार जो है या कितनी दफ़ा वो काम हो रहा है, तो वो जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो मोस्टली कहाँ पर प्लेस किए जाएंगे एडवर्ब, वो सेंटेंस के एंड में। सो वी गेट पेड आवरली एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द न्यूज़पेपर इज बॉट डेली। सो दिस वन इज डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। देन देयर इज एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इसमें टाइम को जो है उसको जो है उसके बारे में डिटेल दी जाएगी, तो वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हाइल सीमिंगली सिमिलर टू एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपेंस। अब ये क्या है, अगरचे ये एडवर्ब्स जो हैं ये इसी तरह आपके जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं उसकी तरह से जो है महसूस होते हैं कि वैसे हैं, बट ये क्या बताते हैं, हमें बताते हैं कि कुछ भी है वो कब होगा। सो एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर यूजली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अब ये भी एंड ऑफ अ सेंटेंस उसमें प्लेस किए जाते हैं। वी फर्स्ट मेट जूली लास्ट ईयर। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमने लास्ट ईयर में जूली से मिले थे। अब इसमें जो आपका एडवर्ब टाइम है वो एंड ऑफ सेंटेंस जो है वो प्लेस किया गया है। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ पर्पस, समटाइम्स कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजंस। अब एडवर्ब ऑफ पर्पस जो है इसे एडवर्ब ऑफ रीजन भी कहा जाता है। इट हैज़ टू डिस्क्राइब व्हाई समथिंग हैपेंड, कि कोई भी जो काम है वो हुआ क्यों। दे कैन कम इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल वर्ब लाइक सो, सिंस, दस, बिकॉज, बट एंड ऑल्सो क्लॉजेज लाइक सो दैट, इन ऑर्डर टू। अब ये एडवर्ब ऑफ पर्पस जो हैं अब वो आपके काम के होने की वजह बताते हैं कि किस लिए जो है उसको इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जो एडवर्ब यूज़ होंगे वो अगर इंडिविजुअल वर्ड्स भी हो सकते हैं, सो, इंस, दस, बिकॉज एंड बट, और इसमें क्लॉजेज भी हो सकती हैं लाइक सो दैट, इन ऑर्डर टू। देन वी हैव द पोजिशंस ऑफ एडवर्ब्स। अब पोजिशन जो है दीज आर नॉट अ फिक्सड और सेट थिंग। एज यू हैव सीन एडवर्ब्स कैन अपियर इन डिफरेंट पोजिशन इन अ सेंटेंस। अब इसमें जो
पोजीशन जो है आपने उसको देखना है कि वो किस तरह से इसमें प्लेस की जाएगी इसमें सेंटेंस में लिखते वक्त, क्योंकि अगर आप पोजीशन गलत कर देंगे एडवर्ब की तो वो भी जो आपकी जो ग्रामर में आपकी सेंटेंस में आपकी मिस्टेक काउंट होगी। However, there are some rules that help us decide where an adverb should be positioned. अब हमें ये कुछ उसके लिए rules हैं जो कि हमें मदद देते हैं कि किसी भी adverb को help करने में कि हम इसको कहाँ पर place कर सकते हैं in the sentence. The rules will be different depending on whether the adverb is acting to modify an adjective or an other adverb. A verb or what type of adverb it is. अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर वो सब इस पर जो है डिपेंड करता है कि उसको हमने कहाँ पर उसमें प्लेस करना है सेंटेंस में। सो अब हम ये देखेंगे अगर हमने एडवर्ब पोजिशन विथ वर्ब, जब हम एडवर्ब को पोजिशन करना है वर्ब के साथ रखना है, दिस कैन बी अ बिट ट्रिकियर बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एडवर्ब प्लेस पोजिशन एंड टाइम एट्सेट्रा and there are many exceptions of to the rules. However, a basic set of guidelines is shown below. अब इसमें हम देखते हैं कि वो कहने के काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसमें, क्योंकि ये जो है आपके पास आपने डिपेंड करता है इसके ऊपर टाइप ऑफ एडवर्ब क्या है, वो प्लेस क्या है, पोजिशन क्या है, टाइम क्या है, और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं रूल्स में। लेकिन जो गाइडलाइन हमारे दी गई है उसमें ये एडवर्ब मैनर और प्लेस आर यूजली पोजिशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। She laughed timidly. I stroked the cat gently. अब ये क्या है मोस्टली वे कहने के इनको एंड में ही इनको प्लेस किया जाता है जब आप यहाँ पर वर्ब के साथ यूज़ कर रहे हैं। आपने यहाँ पर देखा कि ये वर्ब यूज़ हो रहा है, जब वर्ब के साथ आपने करना है तो आपने क्या करना है उसको सेंटेंस के एंड में यूज़ करना है। Then, however, if it is an indefinite period of time, जब time इसमें कुछ specify नहीं किया गया, it will go between the subject and the main verb. तब हमने क्या करना है इसको subject और main verb के बीच में इसमें इसको लिखना है। We often go to Paris in the spring time. अब इसमें जो है कोई भी indefinite जो period of time जो है वो specify नहीं किया गया तो हम इसे क्या करेंगे, here is subject and then we have द मेन वर्ब गो, तो हम इसके बीच में जो हम इसको प्लेस करेंगे। देन डेबी रेगुलरली स्विम्स हेयर, अब जो यहाँ पर जो है आपके पास ये मेन इसका सब्जेक्ट है और ये आपका मेन वर्ब है और इसके बीच में आ रहा है रेगुलरली बिकॉज इसमें जो टाइम है इनडेफिनेट पीरियड जो है वो उसमें शो कर रहा है। सो स्टूडेंट दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर टूडे and in the next lecture we will be continuing the other parts of speech. If you have any question you can text me or you can ask me in group.